महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 सीटों पर 7 मई को वोटिंग है और 298 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। इस फेज में पश्चिमी महाराष्ट्र से 7, कोंकण और मराठवाड़ा से 2-2 सीटों पर चुनाव है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के बीच भले ही मुकाबला हो, लेकिन असल अग्नि परीक्षा शरद पवार परिवार की होनी है। एक तरफ सुप्रिया सुले को पिता शरद पवार की विरासत को बचाए रखने की चुनौती है, तो दूसरी ओर अजीत पवार के सियासी भविष्य का फैसला भी तीसरे चरण में होना है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में महाराष्ट्र की बारामती, हाथकणगले, कोल्हापुर, लातूर, उस्मानाबाद, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, संगाली, सतारा, माधा और सोलापुर सीट पर 7 मई को वोटिंग है। एनडीए खेमे से तीसरे चरण की 11 में से 6 सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी के सहयोगी अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के 3 सीटों पर उम्मीदवार हैं और 2 सीट पर एकनाथ शिंदे शिवसेना किस्मत आजमा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से देखा जाए तो तीसरे चरण में कांग्रेस के उम्मीदवार 3 सीटों पर हैं और उसके सहयोगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना 4 सीटों पर चुनावी मैदान में है। इसके अलावा शरद पवार की एनसीपी के 4 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। शरद पवार और अजीत पवार खेमे के बीच आमने सामने की लड़ाई बारामती लोकसभा सीट पर है। 2019 में एनडीए ने एक तरफा जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार के सियासी समीकरण बदले हुए हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में सभी की निगाहें बारामती सीट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां पर मुकाबला पवार बनाम पवार के बीच ही है। बारामती, रायगढ़ और उस्मानाबाद सीट पर अजीत पवार की पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है। अजीत पवार की एनसीपी इन तीनों सीटों को जिताने में कामयाब रहती है तो महाराष्ट्र की सियासत में उनकी भूमिका अहम हो जाएगी। इस चरण में शरद पवार की भी परीक्षा है कि उनकी एनसीपी का परंपरागत मतदाता शिफ्ट हुआ है या उन्हीं के साथ मजबूती से खड़ा है। बारामती सीट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के सामने इस बार अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही हैं। बारामती को शरद पवार का गढ़ माना जाता है और सुप्रिया 3 बार से इस सीट से सांसद है, लेकिन इस बार बीजेपी ने खुद चुनावी मैदान में उतरने के बजाय अजीत पवार की पत्नी को आगे दांव खेला है। इस तरह बारामती सीट पर ननंद और भाभी के बीच फाइट होती दिख रही है। अजीत पवार के लिए ये सीट जीतना आसान नहीं है, लेकिन अपने चाचा शरद पवार और बहन सुप्रिया की टेंशन बढ़ा रखी है। वहीं रायगढ़ सीट पर अजीत पवार की पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे का मुकाबला उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रत्याशी अनंत गीते से है। 2019 में तटकरे ये सीट एनसीपी के टिकट पर जीतने में कामयाब रहे, लेकिन इस बार उनके खिलाफ उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस एक साथ हैं। उस्मानाबाद सीट पर शरद पवार की एनसीपी से अर्चना पाटिल का मुकाबला उद्धव की शिवसेना के ओम प्रकाश राजे निम्बालकर से है। ऐसे में अजीत पवार अपने कोटे की 3 सीटों को जीतने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक सीट पर अपनी बहन से जीतना है तो 2 लोकसभा सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना से 2-2 हाथ करना है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सबसे ज्यादा 6 सीटों पर उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के लिए माड़ा और सोलापुर में दल बदल और विपक्ष की स्थिति से इस बार मुकाबला कठिन बन गया है। माड़ा में बीजेपी के मौजूदा सांसद रंजीत सिंह नई का मुकाबला शरद पवार की एनसीपी के धैर्यशील मोहिते पाटिल से है। मोहिते पाटिल बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब वो अपने चाचा विजय सिंह मोहिते के साथ एनसीपी में आ गए हैं। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से चुनावी मैदान में उतारा है, जिनकी फाइट उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मौजूदा सांसद विनायक राउत से है। परिणाम इस बात पर निर्भर हो सकता है कि किरण सामंत और दीपक केसरकर सहित शिवसेना के स्थानीय नेता और कैंडर के साथ राणे को कैसे साधते हैं। पहली बार है कि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग चुनाव में कोई भी उम्मीदवार शिवसेना के धनुष और तीर के निशाने पर लड़ रहा है। लातूर लोकसभा सीट पर बीजेपी के सुधाकर श्रृंगारे का मुकाबला कांग्रेस के शिवाजी राव कालगे के बीच है। लातूर कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है। कांग्रेस ने यहां पर हुए 15 आम चुनावों में से 11 में से जीत हासिल की है।
और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकूरकर 7 बार सांसद रहे हैं। पिछले 10 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने चाकूरकर की बहु अर्चना पाटिल को अपने खेमे में शामिल करके लातूर में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की है।